कपिल देव एकदम हैसल गया, यार मैंने अब भी इधर रखा था, कहाँ चली गई मेरी ट्राउज़र पता नहीं। और फिर उन्होंने देखा श्रीनाथ की तरफ और कहा, श्रीनाथ तूने मेरी ट्राउज़र डाली है। दिस इज़ अबाउट जवागल श्रीनाथ, वन ऑफ इंडियाज फास्टेस्ट बॉलर्स, और उनका दिमाग भी कुछ ज़्यादा ही तेज़ चलता है, इसलिए बहुत बार वो हड़बड़ाते हैं। और यू नो दैट वाज आवर सॉर्ट ऑफ ऑन गोइंग जोक विद श्रीनाथ के नेक्स्ट क्या करने वाला है ये बंदा, थोड़ा वो होते हैं ना ज़्यादा ही, जो इंग्लिश में हम कहते हैं कैट ऑन अ हॉट टिन रूफ। तो बैटिंग के टाइम उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है आपको पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये किस्सा श्रीनाथ का है, बहुत ही मेरे करीबी दोस्त है एंड अ वंडरफुल फास्ट बॉलर। सो दिस हैपेंड इन साउथ अफ्रीका, डर्बन में मैच था, एंड इससे आपको पता चलेगा कि श्रीनाथ किस तरह के इंसान हैं और कैसे सोचते हैं। तो हम फील्डिंग करके आए थे और लंच के बाद वापस बाहर जाना था, तो एक बेल बजती है टू टेल अस कि अभी वक्त आ गया कि आप चलिए ग्राउंड पे। तो हम एक एक करके ऐसे रेडी हो रहे थे टू लीव द ड्रेसिंग रूम, एंड कपिल देव एकदम पैनिक हो गए थे कि यार मेरा ट्राउज़र नहीं मिल रहा मुझे, मैंने अभी निकाल के यहाँ पर हैंग किया था, वो कहाँ चला गया। तो बहुत ही पैनिक ही नज़र आ रहे थे कपिल देव, और हम रुके हुए थे कि भाजी चलिए, और कपिल देव एकदम हैसल गया, यार मैंने अब भी इधर रखा था, कहाँ चली गई मेरी ट्राउज़र पता नहीं। और फिर उन्होंने देखा श्रीनाथ की तरफ और कहा, श्रीनाथ तूने मेरी ट्राउज़र डाली है। और हम देख रहे थे श्रीनाथ के पास, सचमुच कपिल देव की वो ट्राउज़र डाल के बिल्कुल चले गए थे ऑलमोस्ट ग्राउंड के ऊपर जाने के लिए, और उनकी ट्राउज़र 6 इंच शॉर्ट थी। वो भी श्रीनाथ को पता नहीं चला कि किसी और की उन्होंने ट्राउज़र डाली इतनी शॉर्ट में। और कपिल देव फिर इतने हंसने लगे और सब हम लोग हंसने लगे, यार श्रीनाथ तो क्या चीज़ है। तो ये है जवागल श्रीनाथ के मैच के टाइम में किसी और की ट्राउज़र भी डाल के ग्राउंड पे जा सकते हैं और उनको पता भी नहीं चलता कि क्या किया है।